सो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे आज बात करने वाले क्लास 11 के मैथ्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में चैप्टर 9 के। तो बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को दोस्तों। जैसे कि आप दोस्तों स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्या कह रहा है स्क्रीन पे, कह रहा है इफ ए बी सी जो तीन टर्म्स हैं ये क्या है एपी में अवेलेबल है देन कौन सी कंडीशन होगी इनमें से। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है दोस्तों मैं आपको एक एक का सॉल्यूशन भी दिखाऊंगा साथ के साथ और करूंगा भी और बताऊंगा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो एंड तक वीडियो में बने रहे ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ सके। अगर दोस्तों सो रहे हैं तो उठ जाए आप, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन है फर्स्ट का सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो जैसा कह रहा है, जो आंसर होगा इसका बी ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा वो बता देता हूँ। अगर ए बी सी में जो ये तीन टर्म है क्या है ए बी सी जो ए पी में है, और हमें पता है ए पी में हम पढ़ते हैं एक डी, क्या पढ़ते हैं दोस्तों डी। डी क्या होता है बेसिकली हमारा कॉमन डिफरेंस, क्या होता है कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में क्या कहते हैं सार्फ अंतर, ये आपने पढ़ा होगा। डी को अगर निकालो इन टर्म्स में तो ए टू माइनस ए वन तो ये आ रही होगी, आ रही बात समझ। जब मैं निकालूंगा इन दोनों टर्म्स में तो ए थ्री माइनस ए टू यानी सी माइनस बी, ये कंडीशन आ रही होगी। मैंने क्या किया इस बी को माइनस बी है इधर भेज दिया, ये तो प्लस बी में कन्वर्ट हो गया। देन क्या हुआ, मैंने a माइनस ए को इधर भेजा तो a प्लस सी आया, यानी ये b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो 2b इक्वल्स टू में ए सी, यानी ऑप्शन कौन सा दोस्तों ऑप्शन b इसका सही हो जाएगा। आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ आएगा, बिल्कुल इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री नंबर्स फ्रॉम अन इंक्रीजिंग जीपी, ठीक है, इफ द मिडल टर्म इज डबल, जो मिडल टर्म है वो डबल है ठीक है, देन द न्यू नंबर आर इन एपी, द कॉमन रेशियो इज, जो कॉमन रेशियो क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आपको मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आप सॉल्यूशन में बढ़ चलें। देखते हैं इसका, अगर आप सबसे पहले हमें पता है अगर कोई भी तीन टर्म्स जीपी में होती है तो हम कौन सी लेते हैं ए अपॉन में आर, ए और ए आर, सिंस जो आपको जीपी दे रखी इंक्रीजिंग दे रखी, यानी जो आपका आर क्या होगा दोस्तों आर यानी कॉमन रेशियो क्या होगा ग्रेटर देन वन होगा, यानी एक से बड़ा होगा। देन अगर मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊं गिवन जो दिया है कि ए अपॉन में आर टू है क्या है इन एपी में, उनको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इक्वल रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ इक्वल। जब रखता हूँ तो मेरे को एक यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो आर की दो वैल्यूज आएंगी, और हमें पता है आर की कौन सी वैल्यू रखनी है हमें ग्रेटर देन वन रखनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर प्लस रूट थ्री, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों के लिंक मैं बायो में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, चीज़ का ध्यान रखना दोनों पीडीएफ का भी और सॉल्यूशन का भी, दोनों का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ बाकी चैप्टर्स के भी मैंने एमसीक्यू डाल रखे हैं, आपको कुछ नहीं करना, लिंक इसका बायो में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और एक से एक करके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करके वन बाय वन वीडियो देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन अपॉन में बी सी प्लस और वन अपॉन में सी प्लस ए एंड वन अपॉन में ए प्लस बी आर इन ए पी, सेम कंडीशन है, आपको क्या रखना वैसे ही सेम कंडीशन है, सेम वही वैसे ही रख दो आप, क्या रखोगे आप से अगर वैसी मैं कंडीशन रखता हूँ ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए वन तो ये कंडीशन आएंगे, इसमें कुछ टर्म्स कट जाएंगे और जो आगे कंडीशन आ जाएगी दोस्तों कट कुटा के ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल सिमिलर टू दी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमने फर्स्ट में करा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली बिना सोचे समझे इस ट्रिक का आजमा सकते हैं, आपका मंजा 100% आंसर सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है द थर्ड टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज फोर, जो थर्ड टर्म दे रखी किसी जीपी की, जीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपको पता होना चाहिए। क्या कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स क्या होगा, उनको प्रोडक्ट क्या होगा यानी मल्टीपल क्या होगा दोस्तों, तो बताते हैं आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ चलते हैं इसके फोर्थ के। क्या कह रहा है आपको गिवन है थर्ड टर्म टी फोर थ्री यानी फोर गिवन है, कह रहा है व्हाट इज द फर्स्ट फाइव टर्म यानी उनका प्रोडक्ट क्या होगा। अगर आप फर्स्ट फाइव टर्म लेओगे एपी की तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ए सेकंड ए आर सेकंड थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यू फोर्थ फिफ्थ टर्म ए आर फोर, यानी ये टर्म हो गई। अगर आप मैं इनमें सॉल्व कर लूँ ए कितने ए पाँच है तो ए फाइव हो जाएगा और आर टेन, और आपको ये गिवन अगर मैं इसको टर्म में तोड़ूँ तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू यानी ए
आर स्क्वायर की वैल्यू 4 गिवन है, मैंने इसी को इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 4 रख दो, 4 की पावर 5, यानी आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आप दोस्तों समझ आया होगा, तो आंसर बी हो जाएगा यानी 4 की पावर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही ईजिली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या कोई भी आपको डाउट ना हो। तब भी डाउट होता है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अपने पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। फिफ्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा, द फर्स्ट टर्म ऑफ जी पी इज 1, यानी फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, यानी ए गिवन है 1, द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। ठीक है, जो टर्म दे रखा है, दो टर्म्स का सम दे रखा है आपसे, पूछ रहा हूँ व्हाट इज माय कॉमन रेशियो, यानी आपका आर क्या होगा दोस्तों। तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। आपको थर्ड टर्म दे रखी है, क्या आपकी थर्ड टर्म क्या होगी, ए आर स्क्वायर, देन अगर मैं फिफ्थ टर्म की बात करूँ तो ए आर 4, ये गिवन है आपको, इसी के हेल्प से सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इनका जो सम गिवन है, क्या दे रखा है, दोनों का सम दे रखा है 90। यहाँ से मैं ए कॉमन लूँ, क्या लूँ, मैं ए कॉमन लूँ, और ए की वैल्यू क्या है दोस्तों, ए की वैल्यू गिवन है मेरे को, ए की वैल्यू, सॉरी, जो ए की वैल्यू है आपको दे रखी है दोस्तों कितनी, ए की वैल्यू है 1। यहाँ पर 1 रख दोगे तो इक्वेशन क्या आएगी, आर स्क्वायर प्लस में आर 4। मैंने क्या किया, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस 1, देन इसको मैंने क्या किया, सिंपली अलग अलग एडजस्ट करने की कोशिश करी, यानी इसको मैंने इसी फॉर्म में ब्रेक करा, क्या करा, इसी फॉर्म में इसको मैंने ब्रेक करा, देन ये कंडीशन बन गई। यहाँ से आप आर को कंपेयर करोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, 3 कहाँ आ रहा है, ए बी सी कौन सा आ रहा है दोस्तों, सी, सी आ रहा है अभी, यानी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ वीडियो को लाइक, 8400400400 इस नंबर को दोस्तों अभी याद कर लीजिए, क्योंकि आपका दोस्तों मैथ्स का डाउट और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अभी मिलेगा आपको, सबके सॉल्यूशन, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी आपके व्हाट्सएप पे, आपको व्हाट्सएप पे 8400400 नंबर को क्या करना है, ऐड टू कॉन्टैक्ट कर लेना है, आपके डाउट होंगे सारे क्लियर ऑन व्हाट्सएप, सिंपली क्वेश्चन की फोटो खींचनी है और आपको क्या कर देना, क्रॉप करके सेंड करो, मिल जाएगा सॉल्यूशन। क्लास 6 से 12वीं के आईआईटी और नीट और सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के सभी बच्चों के लिए ऐप मौजूद है, अभी 8400400 में अपने क्वेश्चन को भेजें और डाउट क्लियर कर लें। और दोस्तों इस ऐप का लिंक आपको बायो में मिल जाए, लाइक कर दें और वीडियो के बारे में बता सकते हैं आपको कैसे लगे, क्योंकि ऐसे ही अगले भी क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे। 6th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हाजिर है दोस्तों, क्या क्या कह रहा है वो भी देख लेते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा था सम ऑफ 258 अप टू 50 टर्म क्या होगा, सम निकालना है इस ए पी का, तो क्या निकालेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एस एन वाला, यानी आप सबसे पहले बेसिक चीज़ें निकाल लो, ए निकाल लो, डी कैसे निकालता है, a2 - a1 यानी 5 - 2 यानी 3 आ गया डी, और लास्ट टर्म गिवन है आपको ए एन, क्या गिवन है 50, सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूँ इसमें, एस एन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, यानी 50/2 हो जाएगा, देन इसमें फॉर्मूला लगाओगे आप, फॉर्मूला भेज दें, सिंपली आप करोगे, आप कैलकुलेट करते जाओ कितना आ जाएगा, 3775, इसमें आई थिंक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला भेज दिया, बिल्कुल आपकी बुक के जैसे क्वेश्चन आए। ठीक है, 7th क्वेश्चन मूव कर लेते दोस्तों, क्या कह रहा है 7th क्वेश्चन आपको, ये कह रहा है कि ये 3 टर्म्स हैं एपी में दे रखी हैं, देन आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं दोस्तों आपको क्या करना है, अगर एपी में है तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, यानी बी बराबर 2 टाइम ऑफ बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस में सी, मैंने दोनों को कंडीशन फुलफिल कर दी, उसको मैंने इनमें एलसीएम लोगे तो 31/24, 2 वहाँ पर चला जाएगा तो 31/48 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 31/48। आई होप दोस्तों आपको समझ आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है हमारे तो ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको मैं बहुत से स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करता हूँ, आपको जस्ट ज्वाइन करना है, लिंक इसके बारे में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम को इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में, देन आप क्या करो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। 8th क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं, 8th क्वेश्चन ये कह रहा है इफ एन टर्म ऑफ ए पी इज 3n-4, और आपसे पूछ रहे हो व्हाट इज द 10th टर्म ऑफ ए पी। तो दोस्तों अभी तक हमने 7th क्वेश्चन आपको बताया, अब आपकी बारी है, हमें इसका कमेंट में आंसर आप ए बी सी कौन सा करेक्ट आंसर है ज़रूर कमेंट करके आप बताएं, ताकि हमें भी पता चले बच्चा लोग भी पढ़ रहा है हमारे साथ साथ।
दोस्तों नाइन्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या कह रहा था, सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस सीरीज का, एन टर्म का सीरीज का सम बताना दोस्तों। तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपल है, आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ चलते हैं। आपको ये गिवन है, इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ एन लेके आया और कन्वर्ट करा। जैसे ही मैंने इसको कन्वर्ट किया तो मेरे पे ये कुछ ऐसी सीरीज बनी। जैसे आपके बुक में एक क्वेश्चन गिवन है, सेवन प्लस में सेवन, सेवन प्लस में सेवन, सेवन सेवन, उसमें जैसे ट्रिक आजमाते हैं, सेम इसमें भी जो इसका जो हो जाएगा वन हो जाएगा, वन माइनस वन, यानी आप सिंपली इसको सॉल्व करोगे सेम लेके तो एस एन क्या आ जाएगा, एन अपॉन में एन प्लस वन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म ऑफ ए पी इज 258 इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ दिस, देन आपसे पूछ रहा है एन इक्वल टू किसके होगा। तो सिंपली आप क्या करो, दोनों को इक्वेट कर दो, जो गिवन है दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर दोनों को इक्वेट कर दिया, जो जो गिवन है ऐसा एन वाला फॉर्मूला लगा के, सॉरी एस एन वाला, दोनों को इक्वेट करा, जो जो कटता जा रहा कट दिया मैंने, ये बड़ी देख। नेक्स्ट ये आई कंडीशन, एन को वहाँ ले जाओगे तो सिक्स एन माइनस फाइव, वन को इधर ले जाओगे तो 55, यानी आप सिंपली देख सकते हो, आप सिंपली आपका एन की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। दोनों को क्या कर दिया मैंने, एस एन का फॉर्मूला लगा के दोनों को इक्वेट कर दिया सिंपली, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन इसका 11 का 11 आ रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इसे आप टिक कर लें। तो ये दोस्तों हमने कवर अप कर लिया इसके 10 क्वेश्चन जो कि मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे, वो आपके लिए मैं लेके आया। ऐसी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में जाकर बात करेंगे एमसी क्वेश्चंस के बारे में। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी बैक टू बैक वीडियोज आती रहें, और साथ के साथ नोटिफिकेशन ऑन ना करना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले आपको वीडियोज मिल पाए। तब तक के लिए दोस्तों हमें करें बाय एंड टेक केयर।